हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी रीड फिफ्थ चैप्टर ऑफ फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। इन दिस चैप्टर यू रीड अबाउट अ स्टोरी ऑफ अ पॉलिश गर्ल नेम वांडा पेट्रोंस्की हु वाज टीज्ड इन द स्कूल बिकॉज ऑफ हर फनी नेम टू अनदर गर्ल Peggy and Madeline. They used to make fun of the girl by asking some question, how many dresses do you have, how many pair of shoes do you have, such questions they asked. And Peggy was the one who led the game. Wanda Petronsky was fed up with the game, but Peggy didn't stop the game. Even some other students joined Peggy when she asked such questions to Wanda Petronsky, and the result came that Wanda Petronsky and her brother decided to drop the school. They decided to change their school. Not only school, they decided to change the city also. Let's read out the chapter. Today, one day, Wanda Petronsky was not in her seat. Monday hai. Or on Monday, Wanda Petronsky was not on her seat. She was absent on Monday. But nobody, not even Peggy and Madeline, both the girls who generally made fun of her, they didn't notice her absence in the class. The girls who started all the fun, जो उनका मजाक उड़ाते थे, वो क्वेश्चनिंग करते थे उसको ड्रेसेस को लेकर, उसके पोजेशंस को लेकर, तुम्हारे पास ड्रेस कितनी है, क्या कुछ है, तो अक्सर वो उसको पकड़ लेते थे उससे क्वेश्चनिंग करने के लिए। इवन दे डिडंट नोटिस हर एब्सेंस फ्रॉम द क्लास। यूजुअली वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम नंबर 13। वांडा पेट्रोंस्की रेड in room number 13 and she generally sat in the last next to last seat in the last row. Room number 13 ke last row ke next last bench par wo baithti thi with the rough boys. She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. वो रफ स्टूडेंट्स के साथ जो डफर्स थे, जो अच्छे मार्क्स नहीं लेते थे, वो जनरली क्रिएटेड इनडिसिप्लिन इन द क्लास, शी यूजुअली सेट विद देम। वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, स्कफलिंग मींस नॉइसी और ड्रैगिंग मूवमेंट ऑफ फीट, पैरों के सरकाने की जो आवाज है चलने की मूवमेंट की, वो ज्यादा उसी कॉर्नर से आती थी, वहां पर ये बैठती थी। मोस्ट रोर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब भी क्लास में कुछ भी फनी होता तो सबसे ज्यादा ठहाके लगाने जोर जोर से आता उसी कॉर्नर से, उन्हीं रफ बॉयज के पास से आवाज आती थी और वहीं पर वांडा पेट्रोंस्की बैठती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, वो बच्चे ज़्यादा स्कफलिंग करते थे, घूमते फिरते रहते थे, और क्योंकि वो क्योंकि उनके पैर मड से सने हुए होते थे, तो थोड़ा सा आइडिया हम लगा सकते हैं कि वो पुअर एरिया से वो बिलोंग करते थे, एक मडी एरिया से वो बिलोंग करते थे। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइसी, इट मीन्स शी नेवर क्रिएटेड इनडिसिप्लिन इन द क्लास, शी वॉज नॉट अ रफ स्टूडेंट, not a noisy student, she was not a chatterbox, bathroom hi nahi thi, na hi wo duffer student thi, rough thi, on the contrary means opposite, she was very quiet and rarely said anything at all,
रेयरली मीन्स हार्डली, मुश्किल से ही कुछ बोलती होगी वो क्लास में. एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, उसको किसी ने भी जोर से हंसते हुए जैसे बाकी बच्चे हंसते थे किसी ने नहीं देखा था. समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रॉक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल. क्रॉक एक टेढ़ी सी हल्की सी न्यू इस तरह से एक स्माइल वो सिर्फ देती थी, उसके अलावा वो ठहाके लगाकर कभी भी रफ बॉयज की तरह नहीं हंसती थी. बट दैट वॉज ऑल, दैट क्रॉक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल वॉज ऑल. Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. वो वहां क्यों बैठती थी, क्योंकि वो डफर नहीं थी, नॉइसी नहीं थी, वो रफ नहीं थी, तो रीजन क्या था थोड़ा हम गेस कर सकते हैं कि आगे के चैप्टर के सिचुएशन से हम बता सकते हैं कि उसको क्लास में टीज किया जाता था, उसको अवॉइड किया जाता था और वो एक पॉलिश गर्ल थी, वो बच्चों को अवॉइड करती थी टू अवॉइड द स्टूडेंट्स टू मेक फन ऑफ हर. दैट्स वाई शी जनरली सेट इन द कॉर्नर. अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बॉगिंस हाइट. सभी को सिर्फ इतना पता था दैट शी लिव इन बॉगिंस हाइट. वो बॉगिंस हाइट से आती थी, एक जगह का नाम है. एंड हर फीट वर यूजुअली केक विद ड्राई मड, और उसके जो पैर हैं वो मिट्टी में सने हुए होते थे, वो सूख चुकी होती थी. जो इससे पता चल रहा है कि बॉगिंस हाइट जो जगह है जहां से वो आती थी वो मडी प्लेस थी. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोंस्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. स्कूल में आते हुए और स्कूल से जाते हुए वांडा पेट्रोंस्की को पकड़ लिया जाता था टू मेक फन ऑफ हर. उसके बाद वो क्लास में कहाँ बैठ रही है, वो है या नहीं है, नोबडी केयर फॉर दैट. द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल एंड इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन. स्कूल से पहले और स्कूल से जाने के बाद जब वो जाते थे अपने घर की तरफ तभी वो वांडा पेट्रोंस्की को टीज करने के लिए पकड़ते थे. वेन ग्रुप्स ऑफ टू और थ्री और इवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू स्कूल आवर्स. जब कुछ ग्रुप्स के अंदर बच्चे ग्रुप में स्कूल आ रहे हैं और स्कूल जा रहे हैं उस टाइम पर वांडा पेट्रोंस्की को पकड़ लिया जाता था. इट मीन्स दे गैदर्ड अराउंड वांडा पेट्रोंस्की एंड प्लेड द गेम ऑफ क्वेश्चंस ऑफ आस्किंग हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, हाउ मेनी दिस दिस एंड दैट. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर. वो उसकी केयर नहीं करते थे, इसको पकड़ के उससे पूछते कि भाई तुम कैसी हो, क्या हो, ऐसा नहीं था. सिर्फ उसको टीज करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए और उससे ड्रेसेस की क्वेश्चनिंग करते थे. शी वॉज अ पुअर गर्ल एंड शी जनरली वोर ब्लू फेडेड ड्रेस. वो हमेशा एक ही ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस डालती थी, लेकिन पूछने पर हमेशा कहती थी मेरे पास इतनी सारी चीजें, ये ड्रेस है, इतने पेयर्स हैं. तो बच्चों को ये लगता था दैट शी वॉज लाइंग, वो झूठ बोल रही है. एंड दैट्स वाई दैट बिकेम देयर गेम. उनका गेम बन चुका था, खेल बन गया था वो उनका क्वेश्चनिंग करने का. द नेक्स्ट डे ट्यूजडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर. शी वॉज एबसेंट ऑन मंडे एंड ऑन ट्यूजडे शी वॉज अगेन एबसेंट. शी वॉज नॉट इन द स्कूल एंड नोबडी नोटिस हर एबसेंस अगेन. बट ऑन वेडनेसडे पेगी एंड मेडी who sat down front with other children who got good marks, वो आगे intelligent students के साथ सबसे आगे बैठते थे, who didn't track in a whole lot of mud, जिनके पैर कभी भी मड के अंदर सने हुए नहीं होते थे. track means, track in means निशान छोड़ता. did notice that Wanda wasn't there. Wednesday को वो notice करते हैं कि Wanda Petrovsky तो school आई नहीं है. Peggy was the most popular girl in school. She was pretty. She had many pretty clothes and her hair was
कर्ली और उसके बाल जो थे वो घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, देवर ट्रू फ्रेंड्स। द रीजन पेगी एंड मैडी नोटिस वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि वो लेट हो गए थे वांडा पेट्रॉन्स्की की वजह से। तब उन्हें पता चला कि वांडा पेट्रॉन्स्की तो स्कूल आई नहीं गई, और वो स्कूल क्यों लेट हुए थे, बिकॉज ऑन द वे दे डिसाइडेड टू वेट फॉर हर टू मेक वन ऑफ हर। उसका यह मजाक उड़ाने के लिए वो रास्ते में रुक गए थे और वो वांडा पेट्रॉन्स्की का इंतजार कर रहे थे कि वो कब आएगी। They had waited and waited for Wanda to have some fun with her and she just hadn't come. Lekin Wanda Petrovsky to school aayi nahi. They often waited for Wanda Petrovsky to have fun with her. वो अक्सर उसका इंतजार करते थे उसका मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन वेडनेसडे को वो जब नहीं आई तब उन्होंने रियलाइज किया कि वांडा पेट्रॉन्स्की तो कई दिन से स्कूल आ ही नहीं रही। वांडा पेट्रॉन्स्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 डिडंट हैव नेम्स लाइक दैट। एक दे थॉट द नेम टू स्ट्रेंज टू स्पीक, ये बोलने में बहुत ही स्ट्रेंज नाम उन्हें लगता था, और रूम नंबर 13 में किसी भी बच्चे का नाम ऐसा नहीं था वांडा पेट्रॉन्स्की। They had fun names easy to say like Thomas, Smith, Alan. There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petronsky. एक और लड़का था जिसका नाम विली बाउंस था, वो भी फनी था बच्चों के लिए, लेकिन इतना नहीं जितना वांडा पेट्रॉन्स्की उन्हें नाम फनी लगता था। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के कोई भी दोस्त नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस, डल कलर हुआ जिसके वो कपड़े वो डालती थी, ब्लू कलर की फेडेड सी वो ड्रेस डालती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस एंड डिडंट हैंग राइट। डिडंट हैंग राइट मीन्स डिडंट फिट प्रॉपरली, जो अच्छे से वांडा पेट्रॉन्स्की को फिट भी नहीं होती थी वो ड्रेस वो डालती थी। इट वॉज क्लीन बट इट लुक एज दो इट हैड नेवर बीन आयर्न प्रॉपरली। इट द ड्रेस वॉज क्लीन बट शैबी, वो भद्दी थी लेकिन साफ सुथरी थी। दो इट हैड नेवर बीन आयर्न प्रॉपरली, उसको कभी भी आयर्न किया नहीं जाता था ऐसा उसको देखने से लगता था, क्योंकि उस ड्रेस के ऊपर सिलवटें पड़ी रहती थी। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, कोई फ्रेंड नहीं था लेकिन बहुत सारी लड़कियां थी जो उससे बात करती थी वांडा पेट्रॉन्स्की से। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड। कुछ लड़कियां उसको घेर लेती थी स्कूल यार्ड के अंदर, और शी स्टूड वॉचिंग द लिटल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच। Hopscotch means a game in which children hop into and over squares mark the ground. वो कूद कूद के मे बी ये स्टप्पू टाइप में कुछ गेम है वो गेम वो खेलते थे hopscotch, और वहां पर ये इसका मजाक उड़ाने के लिए इसको सर्कल कर लेते थे। वांडा पेगी वुड से इन अ मोर कोर्टियस वे, कोर्टियस मीन्स एक सभ्य तरीके से बड़े प्यार से पेगी उसको बुलाती वांडा, एज दो शी नेवर शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, जैसे किसी टीचर से बात कर रही हो इस तरह से वो वांडा पेट्रॉन्स्की को एड्रेस करती थी। वांडा शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर गर्ल फ्रेंड अ नज, नज मीन्स अ जेंटल पुश, एक अपनी फ्रेंड को पुश करते हुए वो आवाज लगाती, टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेस्ट।
तुम्हारी अलमीरा में कितने ड्रेसेस थे, कितने बताया था तुमने मुझे, एक बारी फिर से बताना। 100 वांडा बुक्सी। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली। इनक्रेडुलस मीन्स शोइंग अनविलिंगनेस टू बिलीव, जिसके ऊपर विश्वास ही ना किया जाए, इस तरीके से वो बिहेव करते थे। 100 ड्रेसेस, ओह माय गॉड। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉपस्कॉच एंड लिसन। और फिर बच्चे वो गेम हॉपस्कॉच छोड़कर वही वांडा पेट्रोंस्की के पास आ जाते उसके वो आंसर सुनने के लिए। या 100 ऑल लाइन ऑफ सेड वांडा, देन हर थिन लिप ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। और फिर उनके जो लिप्स हैं वो साइलेंट हो जाते थे, उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोलती थी। व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट, सेड पिग। कैसे दिखते हैं, सारे सिल्क के होंगे, वो उसका मजाक उड़ाते क्योंकि उन्हें लगता था दैट शी वॉज लाइंग। या ऑल सिल्क, ऑल कलर्स, हाँ सिल्क हैं और सभी कलर्स। वेलवेट टू, वेलवेट भी है, या वेलवेट टू। 100 ड्रेसेस वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली। स्टॉलिडली मीन्स नॉट शोइंग एनी फीलिंग, क्योंकि वो सच बोल रही होती थी तो कोई भी किसी भी चीज़ में उसको एग्जग्रेट करने की ज़रूरत नहीं थी, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताने की ज़रूरत नहीं थी, शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं थी, वो नॉर्मल वे में बताती थी। या आई हैव 100 ड्रेसेस। देन दे वुड लेट हर गो, एंड देन बिफोर शी हैड गोन वेरी फार दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इन टू श्रिक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। फिर वो वांडा पेट्रोंस्की को वहाँ से जाने देते, और फिर जब वांडा पेट्रोंस्की दूर चली जाती तो वो खूब ठाके लगा लगा के हंसते कि ये झूठ बोल रही है। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वांडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे। 100 ड्रेस शी वुड लाइंग, ये तो हमेशा एक ही ड्रेस डालती है, इसके पास एक ही ड्रेस है। सो वाई डिड शी से दैट शी हैड 100 ड्रेस। What a story! How many shoes did you say you had? फिर कभी क्वेश्चनिंग होता इस तरह से, शूज कितने बताए थे तुमने वांडा में, और उधर से जवाब आता 60 pairs, all lined up in my closet. Cries of exaggerated politeness greeted this. All alike. और फिर पोलाइटनेस के साथ को ग्रीट करते हुए एकदम से आवाज आती, सभी एक जैसे हैं। अब वांडा कहती नो नो नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइन ऑफ, नहीं सभी अलग अलग कलर्स के हैं और सभी मेरी क्लोजेस के अंदर लाइन ही लगे हुए हैं। हाँ, पेगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मेडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, हर क्लोज फ्रेंड, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो सबसे लास्ट में जाने वाली लड़की थी। Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed. और छुट्टी के बाद जब Wanda Petronsky वहाँ से निकलती तो उसकी आँखें डल होती थी, उसके माउथ क्लोज होता था। हिचिंग हर, हिचिंग भी सिलाना, और वो अपने सोल्जर्स को, लेफ्ट सोल्जर को नाउ एंड देन, जब तक वो झटकती थी, इन द फनी वे शी हैड, जैसा वो करती थी बहुत ही फनी वे में, वो अपने कंधे को हिलाती हुई झटकती हुई चलती थी वांडा पेट्रोंस्की। फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन, और वो अपने घर तक, वॉक इन साइड तक अकेली जाती थी। पेगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पेगी वो रियलिटी में वो क्रूअल, एक क्रूअल लड़की नहीं थी वो। शी प्रोटेस्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम पुलिस, पुलिस होता है जो वीक बच्चों को टीज करते हैं, वो अक्सर उन बच्चों को मदद करती थी, उनको बचाती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, अगर किसी एनिमल को मिसट्रीट किया जा रहा हो, किसी के ऊपर अत्याचार कर किया जा रहा हो, तो पेगी आगे आती थी और प्रोटेस्ट करती थी। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, She would have been very surprised. Cruel. अगर कोई उसको ये करने से रोकता भी और उसको cruel कहता तो वो कहती cruel.
Why did the girl say she had 100 dresses? तो वो क्यों कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेस है, मेरे पास 60 pairs है shoes की, वो क्यों झूठ बोलती है? Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that was a lie. कोई भी कह सकता है कि वो झूठ बोल रही है. Why did she want to lie? क्यों झूठ बोलती है? And she wasn't just an ordinary person. Else, why did she have a name like that? अगर वो एक नॉर्मल पर्सन है तो उसका एक फनी नेम क्यों है? पांडा पेट्रोन्स की एक स्ट्रेंज नेम उसका क्यों है? एनीवे दे नेवर मेड हर क्राई. लेकिन वो इतना टीज भी नहीं करते थे उसको कि वो रो पड़े. एज फॉर मेडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी हैट्स एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट शी हैड वाज बॉदरिंग. वो ये सब कुछ नहीं करके उसको परेशान करते थे. मेडी वॉज पुअर पर्सन. पैकी की फ्रेंड मेडी मैडलिन, वो भी एक पुअर गर्ल थी. शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स होते हैं बेटा, किसी के यूज किए हुए, किसी के पहने हुए कपड़े. थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिंस हाइट. सिर्फ इतना अच्छा एक चीज थी कि वो बॉगिंस हाइट जैसी एक घटिया जगह पर नहीं रहती थी और है वो फनी नहीं, और ना ही उसका वांडा पेट्रोन्स की जैसा एक फनी नहीं था. समटाइम्स व्हेन पेगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन दैट मॉकिंग पोलाइट वॉइस, पेगी जब वांडा से मॉक करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी एक पोलाइट वॉइस के अंदर, मेडी फेल्ट एम्बैरस्ड, अशीम, उसको बहुत बुरा लगता था मैडी. एंड स्टडीड द मार्बल्स इन हर पाम्स, वो गेम को अवॉइड करती थी और अपने पाम के अंदर कुछ मार्बल्स को उनके साथ खेलती रहती थी. वो उस गेम में ज्वाइन करती नहीं थी, कोई इंटरेस्ट शो नहीं करती थी. रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dress game. वो Wanda की तरफ कभी ध्यान भी नहीं देती अगर उसकी friend Peggy वो questioning वाला game उसके साथ नहीं खेलती. But suppose Peggy and all the others started in on her next. She wasn't as poor as Wanda. इफ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, अगर वो गेम इन्वेंट नहीं करते तो वो उसको अवॉइड करती. बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, वो कहीं वो नेक्स्ट टारगेट उनका ना बन जाए इसलिए भी वो अवॉइड करती थी, कभी भी अपोज नहीं करती थी. उसको डर लगता था कि मेरी भी वही सिचुएशन है जो वांडा पेट्रोन्स की है, लगभग मैं भी पुअर हूँ, मैं भी दूसरों की हैंड मी डाउन क्लोथ्स डालती हूँ, तो कहीं मुझे टीज करना ना शुरू कर दे. शी वॉजंट एज पुअर एज वांडा परहैप्स, बट शी वॉज पुअर. वो वांडा जितनी पुअर नहीं थी लेकिन पुअर तो थी. अफकोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस, और वो उतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि वो झूठ बोले उसके पास 100 ड्रेस. स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन, और उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि वो गेम उसके ऊपर खेला जाए. शी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स, अब लेकिन मैडी हमेशा विश करती थी कि पेगी ये ड्रेसेस वाला, ये क्वेश्चनिंग वाला जो गेम है वांडा पेट्रोन्स के साथ खेलना वो बंद कर दे. बट शी नेवर शोड द करेज बिकॉज शी हैड अ फियर दैट पैगी एंड अदर स्टूडेंट्स वुड स्टार्ट प्लेइंग द गेम ऑन हर्स, उसके ऊपर वो गेम खेलना शुरू कर देंगे बिकॉज शी वॉज ऑल्सो अ पुअर गर्ल.